आप सभी का टेक्स बुक के ऑफिशियल चैनल पर मेरा नाम है शिव तिवारी और उम्मीद करता हूँ की आप सभी बेहतर होंगे सो गाइज मॉर्निंग के बज चुके हैं आठ और सभी को मालूम है कि मॉर्निंग एट ए एम पर हम लोग मंडे टू फ्राइडे कवर करते हैं डेली करंट अफेयर सेशन और इस डेली करप्ट करंट अफेयर की सेशन की सीरीज में हम लोग लास्ट वन ईयर की करंट अफेयर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं सो so, मैं वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में सभी को नमस्कार जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जल्दी से मुझे फटाफट बताइएगा दैट एवरीथिंग इज फाइन ऑडियो वीडियो आई होप की सब कुछ क्लियर होगा और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की सीरीज ठीक है आज के सीरीज में मैं आप लोग आप लोगों को हमेशा की तरह टोटल इसमें भी हम लोगों ने 60 प्लस क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास किया हुआ है सो so, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन सीरीज है ठीक है इसको जरूर अटेंड करिए और बिल्कुल आप सभी के जहां तक उम्मीद है कि जो एडमिट कार्ड है वो इस वीक के एंड तक आ जाएंगे ठीक so, है सो अपने बिल्कुल एडमिट कार्ड की तैयारी में रहिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए क्योंकि आपके जो एग्जाम है फिफ्टींथ जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं जो कि अगस्त तक जाएंगे ठीक है सो सभी का वेलकम गाइज वंस अगेन सभी का वेलकम चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की यस yes. और आगे बढ़ने से एक दो चीजें पहले मेंशन करना चाहूंगा किस समय टेक्सट बुक पर सीई टी की सुपर कोचिंग लॉन्च हो चुकी है तो अब आप इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं और ये सबसे बेहतरीन अपना एक अलग ही तरह का जो है फील होगा सो जुड़िए टेक्स बुक सुपर कोचिंग के साथ और एक टोटल अलग ही तरह का डिफरेंस पाइए ठीक है थीके? और अपनी तैयारी कीजिए सभी एग्जाम्स जो भी आपके आ, मतलब एग्जाम्स उन सभी के लिए सुपर कोचिंग इस समय गोइंग ऑन है और अगर मैं बात करने जाऊँ सी की ठीक है तो आप हमारे साथ जुड़ करके आपका जो भी ड्रीम आप ग्रेजुएशन में सीट पाना चाहते हैं साइंस में आर्ट में जिस भी कैटेगरी में आप पाना चाहते हैं उसका भी आपका सपना पूरा हो सकता है ये आपका पूरा सी का शेड्यूल है शेड्यूल को पूरा फॉलो करते रहिए ठीक है आपकी ये सभी लेक्चर मॉर्निंग से लेकर के याद रखेगा इवनिंग यानी कि नाइट तक आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं बाकी मेरे जितने भी सेशन है सो मेरे हर एक सेशन की जो पीडीएफ है <coughs> वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी सो प्लीज फॉर द पीडी एफ ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रेट्स ऑफ टेस्ट बुक ठीक है सो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे बाकी ये कुछ अदर सेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं आठ बजे हम लोग डेली करंट अफेयर का सेशन कवर करते हैं साढ़े ग्यारह बजे जनरल अवेयरनेस का सेशन होता है एक बजे आपका जनरल अवेयरनेस का सेशन होता है टेक्स बुक इंजीनियरिंग चैनल पर और या थ्री पी एम पर आपकी होती है मास्टर क्लास जो होती है रेगुलर आपके टेक्सट बुक एप्लीकेशन पर ठीक है सो so गैस आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सभी सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेज़न हैज अनाउंस डी लॉन्च ऑफ़ न्यू स्पेशलाइज्ड फुलफिलमेंट सेंटर इन विच स्टेट ऑफ़ इंडिया तो जो अमेज़न है इस समय इन्होंने डिक्लेयर कर दिया इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये अपना न्यू स्पेशलाइज्ड फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च करने जाएंगे और ये निम्नलिखित में से भारत के किस स्टेट में इसको लॉन्च करने वाले हैं गुजरात में तेलंगाना में पंजाब में या हरियाणा में अमेजन के हेड की अगर हम लोग बात करने जाए जैब बेजोस जो इस समय दुनिया के सेकंड सबसे रिच पर्सन है आफ्टर द एलन मस्क ऑलरेडी के बहुत सारे जो सेंटर्स से है अभी हमने बात की थी कि बेंगलुरु में गोइंग ऑन है बट यहां पर एक नए तरह का स्पेशलाइज फुलफिलमेंट सेंटर की बात की जा रही है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है सो याद रखेगा कि यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करने जाऊंगा सो सेकंड इज द राइट आंसर तेलंगाना तो तेलंगाना में एक अपना नया स्पेशलाइज्ड फुलफिलमेंट सेंटर सेटअप करने जाएंगे और तेलंगाना के सीएम सभी को मालूम है कि सीएम ऑफ द तेलंगाना दैट इज द के चंद्रशेखर राव तो यहाँ के जो सीएम है उनको उनका नाम जरूर पढ़ के जाइएगा के चंद्रशेखर राव और बाकी यहाँ पर जो भी आपके इंपोर्टेंट लोकेशन है हम हैदराबाद की बात करने जाए चार मीनार की बात करने जाए दूसरा हम लोग स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी जो अभी रिसेंट में लॉन्च की गई है उसको भी आपने अपडेट करके जाना है ठीक है चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय औषधि निर्धारण प्राधिकरण के के नए अध्यक्ष रूप में चुना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तो ये जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है इसके नए चेयरमैन के तौर पर निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया कर दिया, कर दिया गया है विनय कुमार हलू वालिया आ, प्रतिभा पारकर है या फिर कमलेश कुमार पंत है ठीक है कि इसका सही आंसर क्या होगा क्रिमिनल अंजलि सैलेश यस यस सभी के आंसर यहां पर आना शुरू हो चुके है। हैं हैं देखते गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दट इज अ कमलेश कुमार पंत इज द राइट आंसर तो जो न्यू चेयरमैन है दैट इज अ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के दैट इज अ कमलेश कुमार ठीक है अगला सवाल भारत अक्टूबर 2022 में किस शहर में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस यूएनडब्ल्यूजीआईसी यूएनडब्ल्यूजीआईसी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस ठीक है अक्टूबर 2022 में स्थापित करने जाएगा पुणे में हैदराबाद में रायपुर में या लखनऊ में यस क्षितेज वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग अच्छे यस ठीक है जरा बताइएगा किसका सही आंसर क्या होगा तो ये जो सेटअप करने जा रहे हैं हम लोग हैदराबाद में और हैदराबाद आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना तो ये जो आपका नया स्टेट बना था तेलंगाना दो में जो क्रिएट हुआ था याद रखिएगा ये उसकी कैपिटल है और यहाँ पर आपकी पाई जाती है चार मीनार कई बार आपके यहाँ पर याद रखेगा हम लोग उनकी बात करने लगते हैं ना मोन्यूमेंट्स की चार मीनार अभी हाल ही में यहाँ पर एक याद रखेगा जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है स्टैचू ऑफ है लॉन्च किया गया है और दूसरा याद रखेगा यहाँ पर आपका एक टेम्पल है जिसका नाम है रुद्रेश्वरा टेम्पल या रमप्पा टेम्पल रमप्पा टेम्पल जो आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया था ठीक है अगला क्वेश्चन है एन एम ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा विकसित की है ठीक है कोल इंडिया होगा एल एन टी होगा जी आई जेड इंडिया होगा या ऑयल नेचुरल गैस होगा ठीक है सो so, इस क्वेश्चन में हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे जरा बताएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर सो एन एम सी जी ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा विकसित की है कोल इंडिया होगा लार्सन एंड टर्बो होगा जी आई जेड इंडिया होगा या फिर ऑयल नेचुरल गैस हो जाएगा इस क्वेश्चन के अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करने जाऊं तो, right तो यहाँ पर हम लोग जो राइट right आंसर टिक करने जाएंगे याद रखिएगा यहाँ पर मैं जो राइट right आंसर टिक करने चला जाऊंगा वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल किसने दूसरा गोल करने से पहले पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय स्कोरिंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया और पुर्तगाल ने विश्व कप तक क्वालिफाइंग में आयरलैंड को तो एक से हरा दिया ठीक है तो इसमें से कौन से एक पर्सन है मशी है नेमार है सीआर सेवन है या फिर ब्रूनो फर्नांडीज है ठीक है सो तो पूछा गया हु ब्रेक द मैं इंटरनेशनल स्कोरिंग रिकॉर्ड बिफोर एडिंग अ सेकेंड गोल अगेंस्ट द आयरलैंड इन द वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग सो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है द सेंटर विल डेवलप अ सर्च सर्च इंजन फॉर ऑनलाइन ऑफ ऑफ द द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कोर्ट एंड हाई इन तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्र किस केंद्र किस भाषा में किस भाषा में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों की ऑनलाइन खोज के लिए एक सर्च इंजन का विकसित विकास करेगा मतलब ये जो सर्च इंजन विकास किया जाएगा ये निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज में होगा हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, होगा मराठी में होगा या फिर मलयालम में होगा इसका सही आंसर बताएगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जो सर्च इंजन डेवलप किया जाएगा वो किस में होगा हिंदी में ठीक है सो सही आंसर है ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी को यूके सरकार की स्वच्छ समुद्री प्रदर्शन प्रतियोगिता के विजेताओं में नामित किया गया है ठीक है ओशन वेज है डीप फ्लाइट है मोटोरोला है या फिर एंड टर्बो है ठीक है सो so, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कंपनियां या सुबह वेरी गुड मॉर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन

न्यू एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को इश्यू किया गया है यूनेस्को डब्ल्यू एच ओ या फिर आई एल ओ और देखो क्लियर सी बात है जो आपके हेल्थ से जुड़े होगी जो आपके हेल्थ से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन होगी वही नई एयर क्वालिटी के फीचर्स को लॉन्च करने जाएगा और यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है डब्ल्यू तो डब्ल्यू के द्वारा याद रखेगा ये नया लॉन्च किया गया और इसका हेडक्वार्टर आप सभी जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेप्टेंबर टू में निम्नलिखित में से किस बैंक ने राजस्थान में ग्रामीण विकास पहल के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है नाबार्ड सभी जानते होंगे नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो 1982 में टू हुआ और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है याद रखिएगा इसका जो मेन पर्पज है इट वर्क एज ए री बॉडी टू प्रोवाइड द क्रेडिट एंड फाइनेंस इन टू द एग्रीकल्चर रूरल एरियाज तो निम्न में से कौन सी बैंक ने नाबार्ड के साथ टाइप किया है जो राजस्थान में फंडिंग अलोकेट करने जाएगी और यहां पे जो सही आंसर है इज ए

तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे डेलीगेट है कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने उत्तराखंड में होने वाले कंडक्ट होने वाले दून ड्रोन मेला को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है तो ये आपका पुष्कर सिंह धामी होंगे ओम बिरला साहब होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे या फिर नरेंद्र मोदी अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं ड्रोन की ठीक है अगर ड्रोन की हम लोग बात करने जाए तो आपने देखा होगा ड्रोन के लिए बहुत सारे हमारे इंडिया में अलग अलग स्कूल भी सेटअप किए

तो हमें बहुत एकदम गहरी निगाहों से एकदम चीते की निगाहों से ढूंढना पड़ता है आंसर को ठीक है सहयोग की अपने चीता बनकर के इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन <laughs> यहाँ पर ओयो का नाम आ चुका है ठीक है ओयो काफी पॉपुलर रहता है ओयो तो अक्टूबर 2021 में ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है हम बताइएगा कि ओयो के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं दीपा मलिक है पीवी वी सिंधु है अरुणे सिन्हा है या मानसी ग्रिश चंद्र जोशी है ठीक है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और यहाँ पर जो सही आंसर है दट इज दीपा मलिक इज द राइट right आंसर सो so, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर जो ओयो के यहाँ पर आ, स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो कौन है याद रखिएगा दैट इज अ दीपा मलिक इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कितने सक्षम केंद्र शुरू किए जाएंगे तो हम लोग अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाले हैं और 75 वर्ष के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव पर हम लोग वेरियस 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 इवेंट ऑपरेट कर रहे हैं तो ये पूछा गया है कि ये जो सक्षम हमारा इनिशिएटिव है इसके तहत जो है केंद्र सरकार टोटल कितने सेंटर स्थापित करने जा रही है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री एच करेक्टी का ऑप्शन थ्री एच करेक्टी के चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2021 में आवास और शहरी माम, मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था ट्वेल्थ है फोर्टीन है सिक्सटीन uh, है या फिर एटीन है इसका सही आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है यस जीएस स्टार्ट करिए बिल्कुल अभी नहीं स्टार्ट किया है तो मुहूर्त वगैरह निकालिए पंडित वगैरह को दिखाइए और जल्दी से इसका पढ़ना शुरू कर दीजिए वरना फिर क्या होगा एग्जाम के अब ज्यादा ज्यादा से जादा आपके पास दस से बारह दिन बाकी है ठीक है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है फोर्टीन इज द राइट आंसर तो यहाँ पे जो सही आंसर टिक करने जाएंगे ऑप्शन सेकंड अगला सवाल है कि व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व इन इंडिया तो भारत में कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फिफ्थ नवंबर होगा सिक्स नवंबर होगा या फिर सेवेंथ या एट्थ नवंबर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट अब मयंक आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूं बेटा ठीक है फिलहाल अभी करंट अफेयर पे फोकस करो ठीक है करंट अफेयर में फोकस करो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है? ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर इज से नवंबर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी व्यवसायिक इकाइयों में डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए डिजिटल भुगतान गेटवे लॉन्च करने के लिए पेयू के साथ भागीदारी की है सुझा बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जिसका जो टाई अप हुआ है वो किसके साथ हुआ है पेयू के साथ हुआ है इन की बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज दंपनीज पार्टनर्ड पेयू टू लॉन्च द डिजिटल पेमेंट्स गेटवे फॉर एनाबलिंग डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस इट्स बिजनेस यूनिट और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल क्वेश्चन में पूछा गया ईडी का तो नाम बहुत सुना होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इस समय ईडी के नाम पे बहुत सारे लोग इस समय खौफ चल रहा है नेताओं में खास तौर से खौफ चल रहा है ईडी के नाम पर सो ईडी चीफ हैज गॉट वन ईयर एक्सटेंशन टिल नवंबर 2022 18 नवंबर 2022 तो पूछा गया है कि अभी वर्तमान में ईडी के चीफ डायरेक्टोरेट कौन है ठीक है तो इस समय ईडी के प्रमुख का नाम क्या है आपको बताना है पंकज जी हैं संजय कर्ण कुमार अग्रवाल या फिर अमन अग्रवाल और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन थ्री संजय कुमार मिश्रा इज द राइट आंसर तो ईडी के याद रखेगा जो इस समय हेड है डायरेक्टोरेट है वो है संजय कुमार मिश्रा जिनको अभी एक्सटेंशन मिल गया है और ये अपनी पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे अठारह नवंबर दो तक अगला सवाल है कि भारतीय उद्योग परिषद जो आपका सी है कॉन्फेडरेशन ऑफ Indian industry. ज organized द 20th edition of Connect 2021 in which of the following places? ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा मुंबई इसमें हम लोग टिक करेंगे अहमदाबाद होगा चेन्नई होगा या फिर न्यू डेली होगा जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे ठीक है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है चांसेस हो सकते हैं अंजलि बट दैट इज वेरी वेरी लेस चांसेस ठीक है तो बहुत कम चांसेस हो सकते हैं कि एक किया, दो कंप्यूटर के क्वेश्चन अ रिस्क रिस्क लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है कंप्यूटर में ठीक है आप बस इन सब चीजों को पढ़िए आप अपना जो मेन सब्जेक्ट है पीसीएम को लगाइए अच्छे से करंट का को पढ़िए जीके को पढ़िए ठीक है रीजनिंग और क्वांट को फो, फो, फोकस कीजिए, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पर मिस्टर डोंग आ चुके हैं डोंग रीला के बोल रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और बाकी जो जिसने अभी मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है सो आप इस समय जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए क्योंकि एग्जाम के अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है और इस समय जो याद रखेगा डील ऑफ द मंथ चल रहा है यानी कि आपकी मैं बात करने जाऊं तो टोटल याद रखेगा जो आपका थ्री नाइन नाइन का पास था वो इस समय आपका चल रहा है फोर नाइन नाइन का तो उसको एनरोल करिए बाई यूजिंग द कोड एसकेटी पास टू गेट द डिस्काउंट ठीक है अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया है फोरम के पहले संस्करण में निम्नलिखित में से कौन से देश भागीदार देश थे तो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा इन्फिनिटी फोरम की बात की गई है कि जो इन्फिनिटी फॉरम इनग्रेट किया गया है टू में ऑनलाइन मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो इसमें कौन कौन से देश भागीदार थे है ठीक है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वन टू थ्री एंड फोर ठीक है एक बार जाइए डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए ठीक है थीके? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर याद रखेगा दट इज अप्शन वन इज करेक्ट ठीक है इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका एंड यू के इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है डिसंबर टू में संसद ने कितने और फार्मास्यूटिकल शिक्षा और, और अनुसंधन अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 2021 पारित किया है ठीक है सो इसका सही आंसर बताइएगा जरा इसका सही आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे 1 होगा 2 होगा 3 होगा या फिर 4 सो 1 फाइव सिक्स या फिर सेवन तो इनमें से जो राइट right आंसर होगा वो आप कौन सा टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन अगला सवाल है दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मर्म चिकित्सा ठीक है मर्म चिकित्सा की बात की गई है प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसा इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी है जिसमें मर्म चिकित्सा का सेंटर बनाया जाएगा और मर्म चिकित्सा का जो सेंटर बनाया जाने वाला याद रखेगा उत्तराखंड के आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी में जो सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री करेक्ट अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता के एस मे सेतु माधवन का दिसंबर 2021 में निधन हो गया उन्हें किस वर्ष जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सो लेजेंडरी मलयालम फिल्म मेकर के एस सेतु माधवन पास अवे इन टू थाउजेंड ट्वेंटी बताएगा जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज अ टू थाउजेंड टेन इज द राइट आंसर याद रखिएगा सो दो में जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था ठीक है अगला सवाल है मौजूदा विश्व चैंपियन एस अपूर्व को तो हराकर किस खिलाड़ी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित अपना तीसरा कैरम फेडरेशन कप जीता हुआ है ठीक है 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 जरा किसका सही आंसर क्या होगा एक तो अभी हाल ही में रंजी वाले को पढ़ के जाना है, जो ट्रॉफी उसमें मध्य प्रदेश ने मुंबई को पराजित कर दिया है और इस बार का जो विनर है वो मध्य प्रदेश रहा है यहां पे बात चल रही है याद रखेगा थर्ड कैरम फेडरेशन की और ये जो टाइटल है ये किसने जीता है ये जीता है याद रखेगा रश्मि कुमारी ने जो करेक्ट आंसर है याद रखेगा ऑप्शन थ्री करेक्ट और ये कंडक्ट कहां हुआ था वाण से यूपी में ठीक है चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता शुरू किया है तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पर्टिकुलर बैंक है जो डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट को लॉन्च कर रही है जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा कि अकाउंट का नाम क्या है तो हेल्थ जनलक्ष्मी और राइट आंसर है दे दे right तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ठीक है अगला सवाल है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी टीआर टीपीआरईएल ने किस राज्य के किस राज्य के राग ने सोलर पार्क में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है पंजाब है गुजरात है हरियाणा है या फिर मध्य प्रदेश है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ठीक है सो वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इस क्वेश्चन का एक्चुअल जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा गुजरात इज द राइट आंसर ठीक है so, यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट अगला सवाल देखिएगा निम्नलिखित में से किसने सूचित किया है स्पेशल ड्राइंग राइट्स संपत्ति में ऋणदाता के भंडार तक अफगानिस्तान की पहुंच को भी अवरुद्ध कर दिया गया है ठीक है आईएमएफ है एडीबी है और एनडीबी सभी 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 संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट इन के पूछे जाते हैं हैं आईएमएफ आईएमएफ आप सभी जानते एडीबी है की बात करने जाएंगे तो वाशिंगटन डीसी है एडीबी का जो हेडक्वार्टर होता है बच्चों कहां पे होता है मनीला ए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक तो इसका जो हेडक्वार्टर है याद रखेगा इसके हेडक्वार्टर की बात की जाती है कई बार कि इसका जो

अगला सवाल है क्योंकि एसडीआर जो होता है ये कौन यूज करता है दैट इज यूज्ड बाय द आईएमएफ ये जो सिर्फ टर्म होता है दैट इज यूज्ड बाय द आईएमएफ और इसमें टोटल कितनी करेंसी होती है तो याद रखिएगा सिक्स आपकी इंटरनेशनल करेंसी इसमें होती हैं एसडीआर में ठीक है <coughs> अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया कि अगस्त <coughs> 2021 में मंथन 2021 किसने लॉन्च किया सो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डेली या फिर बोथ वन एंड टू तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर तो यहां पर हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल देखिएगा कि सितंबर 2021 में सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 25 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है एक्सिस बैंक है आईसीआईसीआई बैंक है यस बैंक है या फिर पीएनबी बैंक है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 2021, of 25 लाख रुपए ऑन which बैंक फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वायलेशन ऑफ रूल्स के लिए जो पेनाल्टी लगाई गई है वो किस पे लगाई गई है एक्सिस बैंक पर और आरबीआई हमेशा किसी ना किसी बैंक पर पेनाल्टी लगा रहती लगाती रहती है तो टाइम टू टाइम ये vary करता रहता है ठीक है कई बार आई होती है कई बार एक्सिस बैंक होती है कई बार पी होती है तो इसको थोड़ा सा आपने टाइम टाइम टू अपडेट करना है है ठीक अगला सवाल है कि गूगल ने देश में स्वतंत्र स्थानीय सिंगल सब्जेक्ट पत्रकारिता संगठनों के लिए एक त्वरक कार्यक्रम गूगल न्यूज इनिशियटिव स्टार्टअप लैब इंडिया की घोषणा की है इसे निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी करके बनाया गया है तो इसका सही आंसर क्या होगा आ, इकोस होगा दूसरा आपका कौन सा होगा डी पब होगा

तो इसमें से कौन सा होगा टी सीरीज होगा आ, सोनी होगा पी लिमिटेड होगा या फिर डिजनी इंडिया होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो अपने व्यवसाय को याद रखेगा जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज के साथ मर्ज करने वाला है और ये कौन सा है आपका याद रखेगा सोनी इज द राइट आंसर ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और यहाँ पर जो करेक्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है सेप्टेम्बर टू थाउजेंड में निम्नलिखित में से किस राज्य ने तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है मणिपुर है मिजोरम है मेघालय है या नागालैंड है सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर याद रखेगा मणिपुर इज द राइट आंसर मणिपुर बच्चों जरूर अच्छे से पढ़ के जाएगा मणिपुर जहां पर हम लोग लोकटक लेक के बारे में पढ़ते हैं याद रखेगा किसके बारे में पढ़ते हैं लोकटक लेक के बारे में और जहां पर हम लोग कीबुल लाम जाओ याद रखेगा। कीबुल लाम जाओ नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ते हैं वन एच ठीक है। सवाल है, 2021 में तीसरी विकास साझेदारी के लिए ऊर्जा मंत्री स्त्री ऊर्जा वार्ता भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है जो सेवन डे का प्लान है कृष्णा वाणी ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सिविल सर्विसेज के कोर्से है उन सभी का आपको सेवन डे का फ्री एक्सेस मिलता है सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप जाकर के जो क्यू आर कोड है या लिंक है वहां के थ्रू जाकर के आप सेवन डे का फ्री एक्सेस पा सकते हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ठीक है पूछा गया है कि द थर्ड एनर्जी फॉर ग्रोथ पार्टनरशिप जो साइन किया गया है ठीक है इंडिया और किस देश के बीच में तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूके इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गु, गुरुवार को आयोजित किया जाने वाला जागरूकता का एक वार्षिक दिवस 2021 की विषय वस्तु है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या है आज के समय में जो भी आपके आ, मतलब टेज होते हैं और उनकी थीम हो, होते हैं उससे रिलेटेड काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो थीम है याद रखिएगा, लव योर आइज ठीक है सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल है इन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विच टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन वन द अर्थ गार्जियन अवार्ड तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता हुआ है यहाँ पर ठीक है सो so, मधुमलाई टाइगर कंजर्वेशन है दूसरा कॉर्बेट है आपका तीसरा गिर फॉरेस्ट है या फिर चौथा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है ठीक है और इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे ऑप्शन फोर इज करेक्ट परम्बी कोलम टाइगर कंजर्वेशन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है अक्टूबर दो में कोलकाता प्रेस क्लब में बंग बंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किसने किया आ, अब्दुल हमिद अंसारी है शेख हसीना है अब्दुल हमिद अंसारी है शेख हसीना है हसन महमूद है या फिर टीपू अब मुंशी है ठीक है सो निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और एक्चुअल जो यहाँ पर सही आंसर याद रखेगा हसन महमूदी इज द करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज करेक्ट अगला सवाल है नवम्बर दो में द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फॉर्म माइथोलॉजी नामक अपनी पुस्तक नई किसने लॉन्च की हुई तो नवंबर 2021 में पूछा गया है हु हैज कम अप विथ हर न्यू बुक टाइटल द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी और इसका जो सही आंसर है मा, आ, मामलों मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवंबर दो में किस शहर में तीन दिवसीय उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का आयोजन किया है तो उत्तराखंड के पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ये जनजातीय एक जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है ठीक है इसका सही आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट देहरादून इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम सीएमडीएस की आपूर्ति के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ एक निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर किए नवंबर 2021 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंड एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन फॉर द सप्लाई ऑफ द काउंटर मेजर डिस्पेंसरिंग सिस्टम ठीक है सी एम डी एस इज द राइट आंसर तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल है भारत को किस वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व विरासत समिति के लिए चुना गया है ठीक है सो इसका सही आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे कृष्णा आप बेटा डिस्क्रिप्शन में चेक करिए वहां पर ऑलरेडी लिंक गिवेन होगी या फिर क्यूआर कोड का भी एक ऑप्शन आएगा वहां से जाकर के आप एक्सेस पा सकते हैं ठीक है थीके? So, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है याद रखेगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट 2025 थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है किस दिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है डिसेबिलिटी डे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है तो एक दिसंबर को हम लोग बी एस एफ रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं एक दिसंबर को हम लोग एट सिटी के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं और यहां पे जो सही आंसर है सभी को मालूम है कि थर्ड दिसंबर इज द राइट आंसर यानी कि तीन दिसंबर को हम लोग डिसेबिलिटी डे के तौर पर ऑब्जर्व करने जाते हैं ठीक है अगला सवाल है कि जो ऐसी सीरीज है इसका पहला टूर्नामेंट कब खेला गया था तिरासी में छियासी से लेकर के सतासी नब्बे से लेकर के इक्यानवे और चौरानवे से लेकर के पंचानवे ठीक है so, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 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 द ऑप्शन करेक्ट से लेकर के राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नवल एरिया एफ ओ एम ए मुंबई के रूप में पदभार ग्रहण किया है ठीक है रविंदर भाकर है दूसरे संदीप मेहता हैं तीसरे प्रदीप साय हैं या फिर एस एन प्रधान है ठीक है सो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से हम लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे वन होगा होगा टू थ्री होगा या फिर फोर ऑप्शन इज द करेक्ट ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर याद रखेगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है सो यहाँ पर हम लोग जो राइट right आंसर टिक करने जाएंगे जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट अगला सवाल है भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग के लिए एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन का नाम क्या है एस uh, होगा एसिग्मा होगा एबीएसवी होगा और एकोम्स होगा ठीक है जरा बताएगा कि इसमें हम लोग किसको टिक करेंगे तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया रियल टाइम में भारतीय सेना के लिए भारतीय सेना के लिए ये जो रियल टाइम में एक एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है यहाँ पर जो सही आंसर है याद रखेगा एसिगमा एस इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है कौन सा दक्षिण कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को 113 रन से हराकर सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एसियाई टीम बन गई है बांग्लादेश है पाकिस्तान है इंडिया है या फिर श्रीलंका सो so, इस क्वेश्चन में सही आंसर कौन सा होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर याद रखेगा इंडिया इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट अगला सवाल है कौन महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच के uh, रूप में पद छोड़ देगा ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन हु वुड बी स्टेपिंग डाउन एज द कोच ऑफ द वुमेन नेशनल हॉकी टीम तो हॉकी आपको ये भी पढ़ के जाना है हॉकी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो हॉकी में अभी हम लोगों ने रिसेंट में किसी कंट्री को पराजित करके इसमें कांस्य मेडल जीता हुआ है और साथ में हमको ओलंपिक में भी कांस्य पदक मिला हुआ था यहाँ पे जो सही आंसर याद रखेगा दैट इज अप्शन यस वन इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज अस दैट इज अड मरीज इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी एप तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किसने प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट जो है फैसिलिटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जीसी मुरुम है ठीक है दूसरी मनोज सिन्हा है तीसरी आर के माथुर है या फिर प्रदीप कुमार जोशी है सो जीसी मुरुम इस समय वर्तमान में आप सभी को मालूम होगा जो जीसी में अभी हाल ही में इस समय प्रेसिडेंट कैंडिडेट है एनडीए की तरफ से ठीक है प्रेसिडेंट कैंडिडेट और इसका जो सही आंसर है एक्चुअल में मनोज सिन्हा इज द राइट आंसर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी विल कोलैबोरेट विथ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑन पेवमेंट इंजीनियरिंग एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन ठीक है सो इसका सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी फुटपाथ इंजीनियरिंग और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों पर सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा सो आईआईटी बॉम्बे है आईआईटी मद्रास है आई आई कानपुर है आई आई है और ये जो टाई करने गया है आई मद्रास के साथ और आई मद्रास आप जानते इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में से भी इंक्लूडेड होता है और अभी इंडिया की जो सबसे पहली फाइव टेस्टिंग कंडक्ट की गई थी वो डिग्री कहाँ पर की गई थी आईआईटी मद्रास में ठीक है अगला सवाल है कि अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से हु लॉन्च द नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेनिंग फॉर द फार्मर्स तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगस्त 2021 में किसानों के लिए राष्ट्रीय एवं खाद्य पोषण अभियान की शुरुआत किसने की राष्ट्रीय एवं खाद्य पोषण अभियान नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा राजनाथ सिंह के द्वारा या फिर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ठीक है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर याद रखेगा दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट नरेंद्र सिंह तोमर इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल सेबर टू में फ्रांसीसी बैंक बी परिवार ने भारत के सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है तो जरा बताएगा जो फ्रांसीसी बैंक है जिसका नाम है बीएनपी इसके नए हेड कौन नियुक्त किए गए हैं राघव चड्ढा तो राघव चड्ढा को आप कई बार बहस में देखते होंगे ठीक है और संजय सिंह है सौरभ भरद्वाज है दिलीप पांडे है तो बच्चों इसमें राघव चड्ढा तो हो नहीं सकते ठीक है पॉलिटिकल पर्सन है इसके जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करे संजय सिंह इज द राइट आंसर ठीक है वेरी गुड क्षितज वेरी गुड ठीक है बहुत अच्छे से पढ़ाई की अगला सवाल है भारतीय वायुसेना को सितंबर 2021 में इसकी पहली भारत-इजरायल मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम है एम प्रणाली सौंपी गई इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया और इसराइल के बीच में जो आपकी एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप की गई थी जिसका नाम था एम ठीक है उसको अभी हाल ही में याद रखेगा लॉन्च किया गया है तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज करेक्ट इंडियन एयरफोर्स को ये दे दी गई है इंडियन एयरफोर्स को और इंडिया और इजराइल के ये दोनों के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर याद रखेगा वन एंड टू इज द राइट आंसर तो ये डी हमारा जो है और जो इजराइल एरो इंडस्ट्रीज है इन दोनों के द्वारा मिलकर के डेवलप की गई है और डीआरडीओ के बारे में बात करने जाए सो डीआरडीओ याद रखेगा नाइनटीन इसका इस्टेब्लिसमेंट है इसका हेडक्वार्टर की बात करने जाए

फार्मा इजी है बाइजू है या फिर फ्रिट फॉक्स है यस शशि सिंह वेरी गुड मॉर्निंग सभी का वेलकम जो भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं सभी का वेलकम गाइस ठीक गो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉट द दू दैट इज द फॉक्स इज द राइट आंसर ठीक है तो ये जो लिस्ट किया गया है वो कौन सा है दैट इज अ फ्रेड फॉक्स इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है फ्रेड फॉक्स इज द करेक्ट ऑप्शन अगला सवाल है कि सेप्टेंबर टू में किसको दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है वीरेंद्र सिंह है महेंद्र नाथ यादव है योगेंद्र, योगेश सिंह है या अनुराग रेड्डी है ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो सही सही आंसर है ठीक है याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है थ्री इज द राइट आंसर ठीक है यस यस डेफिनेटली दैट इज सफिशियंट बहुत सारे सेशन अभी तक लगभग मैं सेशन कवर कर चुका हूँ मोर देन फोर्टी प्लस ठीक है तो मोर देन अराउंड फोर्टी प्लस सेशन हो चुके हैं आप सभी देख सकते हैं सभी ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक के इसमें मिल जाएंगे चैनल में जाइए और उनको चेक करिए सभी आपके अवेलेबल होंगे ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री अगला सवाल है सितंबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पी के पुरवार को अतिरिक्त प्रभार बढ़ा दिया है ठीक है पी के पुरवार की बात की गई है तो इसमें सही आंसर क्या होगा ठीक है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है ऑप्शन वन दूसरा है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ठीक है ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थ्री एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और ऑप्शन फोर है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ठीक है सो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 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 ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट करेक्ट महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द राइट आंसर ठीक ठीक है है सो चलिए अगला सवाल है विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे ठीक है सो so, एक होता है याद रखिएगा विश्व प्रवासी दिवस किसके लिए बर्ड्स के लिए और एक होता है आपका एनआरआई ठीक है सो ये जो नॉन रेसिडेंट डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो दोनों जरूर अलग अलग हैं ठीक है तो so, ये जो है आपका अलग है और ये आपका अलग है ठीक है तो देखिए जरा इसकी अगर मैं बात करने जाऊं तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे नाइन्थ जनवरी को ठीक है ये जो प्रवासी दिवस है हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं नाइन्थ जनवरी को और ये जो बर्ल्ड माइग्रेटरी डे है ठीक है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका नाइन्थ अक्टूबर को तो एक है नाइन्थ अक्टूबर और एक है नाइन्थ जनवरी तो दोनों को अच्छे से पढ़ के जाएगा ये बर्ड है और ये एनआरआई है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग विश्व मानक दिवस अथवा अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस हर हर वर्ष विश्व स्तर पर किस डेट को मनाया जाता है इसका सही आंसर क्या होगा इसका जो सही आंसर है इज ऑप्शन करेक्ट नहीं डोमेन टेस्ट में मुश्किल है डोमेन टेस्ट में मिल पाना आपको क्वांट रीजनिंग और याद रखिएगा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जीके और करंट अफेयर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ठीक so, है सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर है अगला सवाल है अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने ई मुनेत्रम और आई टी नानबन याद रखिएगा नामक दो वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है ठीक है सो इन अक्टूबर इन अक्टूबर देखिएगा थाउजेंड ट्वेंटी वन विच स्टेट लॉन्च टू वेब पोर्टल नेम्ड ई मुनेत्रम एंड आई टी नानबन फॉर आई टी डिपार्टमेंट ठीक है सो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा और आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 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 ऑप्शन करेक्ट तमिलनाडु द राइट आंसर ठीक है इस सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट अगला सवाल है भारतीय रेलवे ने उन्तीस अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी एसी थ्री टीयर ट्रेन चलाना शुरू किया है ट्रेन का नाम क्या है ठीक है सुविधा एक्सप्रेस है ये आपके सुविधा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है दूसरा गति शक्ति है तीसरी तेजस है या फिर चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है ठीक है सो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज गति शक्ति एक्सप्रेस इज द राइट आंसर ठीक है सो यहाँ पे हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन सेकेंड अगला सवाल है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ आईआईटी बॉम्बे इन द क्यूएस ए सी आई यूनिवर्सिटी रैंकिंग तो आई आई टी बॉम्बे का पूछा गया है वैसे अगर मैं बात करने जाऊं तो जो इंडिया का है याद रखेगा एक ही इंस्टीट्यूट सबसे टॉप पर है वो कौन सा है आई आई एस सी बेंगलुरु तो जो आई बेंगलुरु है वो सबसे याद रखेगा टॉप पर इस समय चल रहा है वो सबसे टॉप पर है और वर्ल्ड में अगर मैं बात करने जाऊं कि विश्व में सबसे टॉप पर कौन है तो विश्व में सबसे टॉप पर याद रखेगा कौन सा है एम ठीक है यहां पर पूछा गया IIT बॉम्बे और IIT बॉम्बे की जो पोजीशन है फोर्टी सेकेंड इज द राइट आंसर अगला सवाल है एक स्पेस एक्स रॉकेट ने नवंबर 2021 में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट में पहुंचाया जिसे 60 साल में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले हंड्रेड में व्यक्ति भी शामिल हैं ठीक है सो आ स्पेस एक्स रॉकेट कैरीड हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट इन टू ऑर्बिट इन नवंबर टू इंक्लूडिंग द सिक्स पर्सन टू रीच स्पेस इन सिक्सटी ईयर ठीक है बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर right है इज ऑप्शन द राइट आंसर ठीक है है चलिए अगला सवाल निम्नलिखित में से किस देश को 2021 और 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के तीन संवैधानिक अंगों में से एक यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है ठीक है इंडिया बांग्लादेश भूटान या श्रीलंका निम्नलिखित में से कौन सा सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन Uh, re elected to the UNESCO executive board, one of the three constitutional organs of the UN for the 2021 and 25 ठीक है, so, इसमें से जो राइट आंसर ठीक है तो पे याद जो होगा, वो कौन सा हो जाएगा? Right so, तो जाएगा? Right अगला सवाल है कि इन नवंबर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत फॉर रिवर सिटीज इन इंडिया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा जा रहा है नवंबर 2021 में भारत में नदी शहरों के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था टास्क फोर्स फॉर रिवर सिटीज रिवर सिटीज अलायंस है या फिर नमामि गंगे रिवर अलायंस है ठीक है सो so इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वन या टू या थ्री विच ऑप्शन इज करेक्ट और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ये है रिवर सिटीज अलायंस इज द राइट आंसर ठीक है सो so यहाँ पर हम लोग जो सही टिक करने जाएंगे ऑप्शन सेकेंड अगला सवाल है आपदाओं को रोकने के लिए दिसंबर 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया तो बच्चों ये तो आपको मालूम होगा जब हम लोग बात करते हैं एनडी ND... RMA, disaster, जो हमारा मैनेजमेंट है और इस समय तो इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे वैसे भी डिजास्टर आ रहे हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन थ्री डैम सेफ्टी बिल टू इज द राइट आंसर ठीक है तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन थ्री अगला क्वेश्चन है एस सीरीज में किस गेंदबाज ने एक बार सात गेंदों में पांच विकेट लिए थे तो अभी हाल ही में जो इंग्लैंड में आपकी ट्रॉफी चल रही है वो जरूर पढ़ के जाएगा कि एक ओवर में किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन बनाए तो जसप्रीत बुमराह को पढ़ के चले जाएगा थर्टी फाइव दूसरा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कि एक बार सात गेंदों में पांच विकेट लिए थे और यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन है जशन ठीक है ग्लेसपी इज द राइट right आंसर ठीक है ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है जैसन ग्लेप्पी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है दिसंबर टू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में महानिदेशालय रक्षा संपदा के किस स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार 2021 प्रदान किया पूछा जा रहा है कि पढ़िएगा इन दिसंबर पढ़िएगा इन दिसंबर 2021 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गेव अवे रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस टू ऑन द ऑकेजन ऑफ विच रेजिंग डे ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस इन न्यू दिल्ली तो नाइन्टी फिफ्थ होगा नाइन्टी से होगा या फिर 94th और इस क्वेश्चन का कर जो करेक्ट करेक्टर याद रखिएगा रखेगा दरिजा ऑप्शन थर्ड इज इज द द राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है तो यहां से युवराज सिंह होंगे एम एस धोनी होंगे हरभजन सिंह होंगे या फिर इरफान पठान होंगे यस yes. सो so, निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा और ये जो न्यास की घोषणा की गई है सभी को मालूम है कि हमारे भज्जी ने की है भज्जी कौन हमारे हरभजन सिंह साहब हैं ठीक है सुजू करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री करेक्ट ठीक है अगला सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो कोर्स के तहत आपका ये तो पढ़ा होगा नेशनल डिजास्टर जो रिस्पॉन्स फंड होता है एनडीआरएफ ठीक है एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड ठीक है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट रुपीट रूपी थ्री थाउजेंड जीरो सिक्सटी थ्री ट्वेंटी वन करोड़ ऑफ एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस टू सिक्स स्टेट्स इन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी सो वेस्ट बंगाल है कर्नाटक है गुजरात है उत्तर प्रदेश है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यूपी इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट चलिए सो गाइज ये था लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन कवर करते हैं कंक्लूड सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे याद रखिएगा रेगुलर बेसिस पर आप इसको जुड़ते रहिए और बाकी ये जो सेशन की पीडीएफ है इसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखना है दैट इज यहाँ पर आपको मेरे हर एक सेशन की पीडीएफ टाइम के साथ मिल जाया करेगी और बाकी आप अदर टाइमिंग पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ये सभी सेशन आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो एकदम अटेंड करते रहिए अपने इन सेशन को और अपने नॉलेज को बेहतर बनाइए और किसी भी कोर्स के लिए भविष्य में आप एनरोल करते हैं तो टेक्स्ट बुक पर किसी भी कोर्स को एनरोल करने के लिए आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अब देखो बात करते हैं टेक्स्ट बुक पास की ठीक है एग्जाम से पहले जरूरी है कि एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट दिए जाएं क्योंकि उससे हमारी जो प्रैक्टिस है बेहतर हो जाती है तो अगर आप एग्जाम से पहले एक एग्जाम एक देना चाहते हैं मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसके लिए एनरोल कर लीजिए और याद रखिएगा इस समय चल रहा है डील ऑफ द मंथ डील ऑफ द मंथ में आपको मिल रहा है टेक्स्ट बुक पास थ्री सेवेंटी फाइव में अब थ्री सेवेंटी फाइव रुपए में आप टेस्ट बुक पास को कैसे इनरोल करेंगे वेरी सिंपल ठीक है वेरी सिंपल तो करना क्या है कि आप अपनी स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे कि सेशन गोइंग ऑन है तो सबसे पहले तो इसको कर दीजिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ये बेल आइकन वाला बटन बद दबा दीजिएगा सो so दैट आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे ये टेक्स बुक पास की लिंक इस पर क्लिक किया क्लिक किया तो इस तरह का कुछ फीचर ओपन होगा ईयरली और लाइफ टाइम इनमें से किसी दो में से एक को सिलेक्ट करिए और प्राइस पे करने जाइए तो ये प्राइस मत पे कीजिए कूपन कोड इस्तेमाल करिए दैट इज अ एस के टी पास शिव कुमार तिवारी पास और इसको अप्लाई कर दीजिए सो यू विल गेट अ डिस्काउंट ये पड़ेगा वन ईयर का थ्री में और लाइफ टाइम पड़ेगा फाइव फाइव में सो so टेक्स बुक पास को लगा डाला तो जिंदगी को, जिंदगी को जी डाला 500 से ज्यादा इसमें टोटल याद रखिएगा कोर्सेज एग्जाम कवर्ड होते हैं 42,000 मॉक टेस्ट हैं 12,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और अगर मैं यहाँ पर टेस्ट, टेस्ट की बात करने जाऊँ तो कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है एस है इंडियन एयरफोर्स है सी यू है आर है बैंक के सभी मॉक टेस्ट आपके यहाँ पर अवेलेबल है ठीक है गाइज चलिए सो यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग थैंक यू सो मच एंड यस एज ऑलवेज God bless you all. Thank you so much.